हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करने वाले हैं और इस फोटो का मैं बैकग्राउंड भी चेंज किया हूं, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे किया हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जरा से भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल जो है अपने फोटो को हम लोग ऑटोडेस्क में शेयर कर लेंगे और इस ब्रश को यूज करके आप अपने फेस को बहुत ही आसानी से स्मूथिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ब्रश वाले टूल पे चलेंगे और देखिए इस वाले ब्रश को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसका सेटिंग देख लीजिए। फालो को 2% पे रखेंगे और स्ट्रेंथ को 4%, और अब जो है अपने फोटो को जूम करेंगे और अपने फेस को स्मूथिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको फेस स्मूथिंग करना नहीं आता तो उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, जो कि आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं और एक ही चीज हर वीडियो में दिखा कर आपको मैं बोर नहीं करना चाहता। और अब जो है हमारा फेस स्मूथिंग हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेयर वाला ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से एक लेयर क्रिएट कर लेंगे और फिर इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग को जो है हम लोग सॉफ्ट लाइट पे कर देंगे। देन कलर वाले टूल पे चलेंगे और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपने ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, देखिए इस वाले ब्रश को मैं यूज करूंगा और इसका सेटिंग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर अपने फोटो को हम लोग जूम करेंगे और अपने लिप्स पे कुछ इस प्रकार से पूरा पेंट कर लेंगे। एंड पेंट कर लेने के बाद फिर से लेयर पे जाएंगे और यहाँ से इसके ऑपेसिटी को कम बेस कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे। और अब देखिए हमारा जो कलर है काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब जो है हमारा ऑटोडेस्क का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपने फोटो को हम लोग क्या करेंगे, गैलरी में सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद यहाँ से अपने फोटो को हम लोग शेयर करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे देखिए हमारे फोटो को थोड़ी देर स्कैन करेगा और ऑटोमेटिक बैकग्राउंड जो है कट कर देगा। फिर ऊपर शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी अपने फोटो को कर लेंगे। और फिर अपने फोटो को हम लोग पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लेंगे। उसके बाद से देखिए टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपने फोटो को क्रॉप कर लेंगे, पोर्ट्रेट में क्रॉप कर लेंगे ताकि हमको इंस्टा पे पोस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। और अब जो है ऐड फोटो पे चलेंगे और अपने बैकग्राउंड को लेकर आएंगे और इस बैकग्राउंड का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद इसके साइज को हम लोग क्या करेंगे, पूरा फुल करके अपने फोटो पे कुछ इस तरह से लगा देंगे और लगा देने के बाद यहां से डन करेंगे। और अब जो है हम लोग इफेक्ट वाले टूल पे चलेंगे और यहां से कलर्स पे जाएंगे, फिर कलर रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड के कलर को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। और अब देखिए आप चाहें तो यहां से ह्यू चेंज करके आप अपने फोटो को जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ग्रीन कलर सेलेक्ट करूंगा। फिर इसके बाद से हम लोग टूल्स पे चलेंगे और यहाँ से टिल्ट शिफ्ट, और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे ऊपर से अपने फोटो को कुछ इस पर ऐसे ब्लर कर लेंगे, लेकिन मैं अपने फोटो में ज्यादा ब्लर नहीं रखूंगा, हल्का सा ब्लर करूंगा और यहाँ से डन कर दूंगा। फिर इसके बाद से ऐड फोटो पे चलेंगे और अपने फोटो को ऐड कर लेंगे जिसका हम लोग बैकग्राउंड कटआउट किए थे। ऐड कर लेने के बाद इसके साइज को एडजस्टमेंट करके कुछ इस पर ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने सब्जेक्ट को जो है बैकग्राउंड के साथ मैच कैसे कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टिकर वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ सर्च बार पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे ग्रास, और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे पीएनजी देखने को मिल जाएंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसको जो है हम लोग अपने फोटो को एकदम नीचे के साइड लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। और इसको लगा देने के बाद से देखिए अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड के साथ काफी अच्छे से मैच हो चुका है। तो ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से स्टिकर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मंकी और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमको जो है ये वाला पीएनजी मिल जाएगा, और इस पीएनजी को जो है अपने फोटो में ऊपर के साइड कुछ पैसे ऐड कर लेंगे। और ऐड कर लेने के बाद फिर से स्टिकर पे जाएंगे और सर्च करेंगे लाइट्स, और यहाँ से जो हम लोग इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे। और अब जो है इसके हम लोग ब्लेंडिंग को जो है लाइटन पे रख लेंगे, और इस पीएनजी से देखिए हमारे बैकग्राउंड में काफी अच्छा एक बुके वाला इफेक्ट आ रहा है। फिर इसके ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे और फिर हमारे फेस पे जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज बटन पे जाकर इरेज कर देंगे और फिर यहाँ से डन कर देंगे। अब जो है हमारे पिक्सआर्ट का काम कम्प्लीट हो चुका है, तो अब अपने फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो इस पार्ट को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोटो का जो कलर है कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट पहले यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेंगे, हाईलाइट्स को जो है थोड़ा कम कर लेंगे और थोड़ा सा शैडो ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ से डन करेंगे और कलर वाला ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से जो अपने फोटो में वाइब्रेंस को ऐड करेंगे। फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको जो है हल्का सा माइनस के साइड लेकर जाएंगे और डन कर देंगे। और अब कलर मिक्सर वाले टूल पे चलेंगे और यहाँ से रेड कलर का लुमिनस थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि चेहरे पर लाइट आ जाए थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट वाले कलर पे चलेंगे और यहाँ से इसके सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे और लुमिनस को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। देन अब जो है हम लोग ग्रीन वाले कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसके सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे देखिए इसके ह्यू को जो है हम लोग चेंज करके अपने बैकग्राउंड का जो कलर है काफी आसानी से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको जो अच्छा कलर लगता है वो अपने फोटो में रख सकते हैं। अब यहाँ से भी डन करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से देखिए अपने फोटो में थोड़ा सा बिगनेट को ऐड करेंगे, फिर डन कर लेंगे। और अब जो हमारा फोटो का कलर ग्रेडिंग वो कंप्लीट हो चुका है, तो शेयर पे क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। तो फाइनली गाइस यही था वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया आया था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।